हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग आ गए संभावना सेठ एंटरटेनमेंट चैनल पे और आज हम लोग जो व्लॉग देखने वाले हैं उसका नाम है बिग बॉस कंटेस्टेंट्स इन द हाउस डे 5 पार्ट 1 गणपति 2024। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। संभावना सेठ मैम के चैनल पे हम लोग आ गए हैं और ऑल द क्रेडिट्स आर ऑलरेडी मेंशन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखना है ओरिजिनल चैनल पर जाकर तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अरे पकड़ो इसको। कितने प्यारे लगते हैं चिवावा, बट इनमें बहुत एटीट्यूड होता है ब्रो। संभावना मैम लुकिंग सो क्यूट। गुड मॉर्निंग पीपल, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओह नाइस ड्रेस मैम। फाइनल डे बप्पा का, आज विसर्जन का दिन है और हम लोग सब तैयार हैं। बैठे हुए थे, तैयार हो गई, मैंने कहा मैं आज व्लॉग शुरू करूंगी, मैं शुरू करूंगी, कोई और नहीं। मतलब हमेशा अविनाश शुरू करता है। पावर कैन बी टेकन, इन्फ्लुएंस कैन ओनली बी। स्वस्तिक का नहीं मेरे लिए बनाया था। कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम अलग कलर, चॉकलेटी 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 कर दिया मैंने। लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं इसको ज्यादा लंबा टाइम पहन पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि ना ये पता है कैसा है, ये ना पीछे से ना वो है लंबा, पोछा लगा था भाई। चलो लौटते हुए जाएंगे। अगर ये इतना रहता ना घाघरा तो ठीक था। अब मैं जाऊंगी। ब्राउन कलर का ऊपर का अच्छा है, बट नीचे का ग्रीन कलर का मुझे थोड़ा सा मिसमैच लगा कलर्स। चादर मिल गई मुझे। ओह प्यार कर रहा है। अच्छा लग रहा है कुर्ती। अरे लेकिन वो कुर्ती बहुत सुंदर है, गले का बड़ा अच्छा मैचिंग हुआ है। हाँ ये पहन लिया मैंने जबरदस्ती। ये नीतू ने कहा नहीं आप पहनो गले में, मैं पहन नहीं रही। बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे लग रहा है पता नहीं गले में टू मच हो गया, मैच कराई हो। तो ये दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। थैंक यू सो मच स्वस्तिका। मुझे पता नहीं है पूरा दिन मैं ये पहन पाऊंगी कि नहीं। ये जो हीरा मंडी लुक दिया ना तुमने, वो हीरा मंडी की वो जो थी ना, वो चलती थी तो पीछे तक झूलता था ना, ये वही है। लेकिन मैं तो झूल जाऊंगी ना, मेरे को दिन भर में काम करना है। इसमें लगा दूंगी ऊंचा करके। कैसे मम्मी, कैसे ऊंचा करके? नहीं होगा। उसको झूलना, यही स्टाइल है उसका। अरे तुम्हारे कपड़े ने आज कुछ परेशान नहीं किया जो पापा के कुर्ता पजामे के साथ हुआ है? क्या हुआ पापा कुर्ता पजामा? अरे ये कुर्ता पहना मैंने, नया दिया ना अभी इन्होंने, मेरा कुर्ता वहाँ से लाया तो खत्म हो गया। हाँ। नया पहना तो, और ये देखा पूरा जेब इसका बंधा हुआ था। अच्छा अच्छा, ये वो यहाँ से सिलाई लगा दी। अरे ये सिलाई कर दिया, पूरा रास्ता ही बंद कर दिया। ओ अच्छा। तो इनको दिखाया मैंने अपने गृहिणी को। हाँ। तो मेरा चश्मा, मैंने कहा मेरा चश्मा है, मेरा चश्मा लिया और फिर पिन से खोल लिया, पिन से खोल खाल के इसको ठीक कर दिया। ठीक कर दिया। लेकिन उसके पहले क्या हुआ ये नहीं बता रहे ना, क्या हुआ है? यहाँ से आए हाथ डाला इसमें, अरे इसमें मेरा रुमाल कैसे जाएगा, क्या हो गया? ये देखो हाथ नहीं जा रहा है। बोले ठीक है तो इसमें रख लो आज रुमाल। इसमें कैसे रखूंगा मैं तो सीधे हाथ से करता हूँ, तुम्हारे लिए ठीक है फिर तुम पहन लो, उल्टे हाथ से करती हो। फिर जाके बैठ गए थोड़े, फिर आए, अरे मेरा फोन नहीं जा रहा है इसमें, क्या करूं मैं? ठीक है फिर। अरे मम्मी तो खूब ड्रामा किया है, मतलब फिर कह रहे पैसे कहाँ रखूंगा, आदत हो गई है इनको, मम्मी के पीछे पड़ गए। फिर उतार के मम्मी ने फिर खोल के उसको सीधा किया। ये लेफ्टी के हिसाब से बात कर रही है ना? हाँ मम्मी लबड़ाती है ना, आप भी लबड़ाती है, मैं भी लबड़ाती हूँ, लेकिन मम्मी भी लबड़ाती है, सास और लबड़ाती है। मम्मी भी ऐसा लेफ्ट हैंड से काम करने वाले लोग। अमन गुड मॉर्निंग कहता हुआ। गुड मॉर्निंग, हेलो अमन। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। कैसा लग रहा है अमन, ये फिफ्थ डे तुम्हारा यहाँ पे, पहली बार? पता नहीं चला कब फिफ्थ डे हो गया, लग रहा था कि अभी तो आई थे जस्ट पप्पा, है ना? मतलब आज सच्ची भी यार विसर्जन का दिन, ये कल की बात है। हाँ लिटरली विसर्जन का दिन पास में मतलब आ गया आज, और अभी बहुत कुछ होना है, लेकिन ये टाइम इस बार कैसे निकल गया हम लोगों को पता ही नहीं चला। हम लोग इतना हंसे हैं, इतना हंसे, मतलब कौन गेस्ट आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, हम लोग ने बॉर्डर ही नहीं किया यार। हमने घर में ही इतने गेस्ट थे कि, और एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे पता था कि अपने घर वाले इतने ज्यादा हैं कि हम लोगों को टाइम पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जितने भी लोग आए यार, बड़ा मुश्किल से हम लोगों ने इस बार टाइम निकाला। लेकिन इस बार जो बप्पा खुश होंगे ना कि पूरी फैमिली, और भी सब जीजू होते, बच्चे होते सारे, तो बहुत मजा आता। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग पूरे परिवार को यहाँ पे लाएं, पूरी कोशिश होगी, प्रॉमिस अभी नहीं करते
थे क्योंकि ये एक साल बाद की बात है, लेकिन एक साल कब आ जाएगा ना मालूम नहीं। ये वाला टाइम हम लोग अगले साल फिर बात कर रहे होंगे और ये टाइम निकल जाएगा। अभी एक साल आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। सोचो ये जब बप्पा जब पहली बार आए थे 2004 में मेरे पास, तब मैं किराए के घर पे रहती थी, से लेकर आज तक 21वां साल, और बप्पा कैसे से कितने मतलब बड़े होते गए बड़े होते गए, सारा डेकोरेशन बड़ा होता गया, सब कुछ चेंज होता गया, मतलब बड़ा 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 ग्रैंड होता गया, और ये सब बप्पा का आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम लोग ये सब कर पाए। वन थिंग इज दैट कि इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में यू नो, और बहुत लेट शादी हुई इनकी, बट फैमिली बहुत अच्छी मिली और ये अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा। दैट्स अ वेरी बिग थिंग, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर संभावना सेठ मैम। कि प्लीज दिन में इस बार दो दो व्लॉग्स तो डाल देना, लंबे लंबे व्लॉग्स डाल देना दो दो। हम लोगों को लगा कि नहीं इस बार हम लोग पूरी तरह से व्लॉगिंग करेंगे, जम के व्लॉगिंग करेंगे, और आप लोगों तक दो दो तीन तीन व्लॉग्स भी हमने पहुंचाए हैं, तो मुझे लगता है इस बात का अप्रिसिएशन हमें भी मिलना चाहिए। हमने बहुत मेहनत करी है, हमने बहुत मेहनत करी है हमने। और आज क्योंकि पांचवा दिन है, जनरली घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है चौथे दिन, लेकिन पंडित जी की तबीयत खराब हो गई थी तो आज हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं, और थोड़ा दोपहर बाद होगी वो, तो अभी हम लोग अपनी आरती करेंगे बप्पा की, और उसके बाद बप्पा को भोग लगेगा, भूख लगी बहुत तेज, उसके बाद वो भोग हम खाएंगे। मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ और अभी आपको मिलती हूँ। गणपति बप्पा मोरिया मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, मतलब अंदर से इमोशनल भी हो रहे हैं कि आज विदाई होने वाली है, यही सोच के प्रार्थना करेंगे कि भगवान। सच में यार बहुत ज्यादा बुरा लगता है यू नो, आपके घर में भगवान बैठते हैं और जब वो चले जाते हैं ना, तो सच में बहुत बुरा लगता है। भूख लगी है मुझे बोल रहे हो, जब पापा आए थे ना तो आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे थे, इस बार थोड़ा होश में आए हो आप, आपको मजा आया बहुत, इसने बहुत एंजॉय किया है, बहुत एक्चुअली इसने बहुत एंजॉय किया है। मेरे बच्चे सारे ये क्या करेंगे, अमन तुम चले जाओगे तो कि क्या करेंगे बच्चे। अरे मैं खुद इनको इतना मिस करूंगा, चाहे कैंडी है, चुनचुन है, एक दो तीन चार पाँच डॉग्स है डूड, थोड़ा तो कम हो जाए, अरे पजामा नहीं ऊपर लपेट लिया, फिर घसीटेगा तो फिर फायदा क्या, तो घसीट ही रहे हैं, उतना तो नहीं घसीट। नहीं नहीं मम्मी चुभ रहा है। कुर्ती तो बड़ी सुंदर मुझे लग रही है, कलर अभी कभी आप पहने नहीं हो ऐसा कलर। हाँ कलर बहुत, हाँ बहुत प्यारा लग रहा है, ये जो बाजू में डिजाइन जैन है ना आपको बहुत सुंदर लग रहा है, ये वाला लग रहा है, लेकिन बस घाघरा का बस प्रॉब्लम नहीं है, वो डिजाइन ही डिजाइन है, लेकिन वो डिजाइन पे काम नहीं कर पाएंगे ना, परेशान होगी ना, यही डिजाइन। चलो ठीक है नीतू, अमन के लिए कोल्ड कॉफी इन द हाउस, कैसी लग रही है देखो, बहुत शानदार है ना, बहुत शानदार, ये अच्छी भी लगी थी यार, मुझे भी पीनी है कोल्ड कॉफी। लोग की गर्म पी के आंखें खुलती हैं, इनकी ठंडा पी के खुल रही हैं। परफेक्ट है, चीनी पी के सब एकदम परफेक्ट। कि मुश्किल है मोहल्ले में मोहब्बत का पनप पाना, वो उस छत पर मचलती है, मैं इस छत पर मचलता हूँ। यार ये भी यही निकलेगा, कवि बनेगा ये सब लोगों में जो कविता का वो अंदर कीड़ा है, ये कैसे आया पूरे खानदान में। मम्मी ये अमन का छोटा भाई प्रतीक है, और ये छुटकू क्या कर रहा है, मैं हैरान हूँ। ये साल का है, सिक्स्थ क्लास में अभी। पापा कितना प्राउड फील कर रहे हैं सच्ची यार, मतलब मेरे को बड़ी हैरानगी हो रही है कि पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स, सिस्टर्स दो कविताएं बोलती हैं, अमन दो कविताएं बोलता है, अविनाश दो कविता बोलता है, और एक से एक इवन राहुल, ये सबके सब कैसे इनमें है, ये ब्लड लाइन होती है भाई। इनमें आठ में से सात अगस्त बॉर्न है। लियो, सारे लियो। मामा आई एम ऑल्सो अगस्त बॉर्न। लियो तुम्हारे पास ही आया है। एक भाई बांसुरी बजाता है, अब है वो भी अगस्त बॉर्न, वो भी अगस्त की पैदाइश है। ये सब कजन्स हो, भाई बहन तो बिल्कुल ही एक नस्ल के हैं सब लोग। यार ये क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत लेफ्ट आउट फील करती हूँ दोस्तों। नहीं अलग है, सरदार खान तो तुम ही हो, हम तो गैंगस्टर है खाली, शार्प शूटर है। कला जो एक्टिंग है वो भी कम नहीं, बदल जाती हो आप। मम्मी से मेरे गाने का रिव्यू नहीं लिया विनाश तुमने, क्या बोल रही है, झटका मिंट में बदल जाते हो, बहुत बढ़िया था, पूरे में छा गया था वो कमरिया का झटका। मम्मी के साथ रील बनाओ, हमारे घर में मम्मी के साथ रील बनाओ क्या, नौ मिलियन पे आज के ब्लॉग में प्लीज बता दो कि क्या मुझे 9 मिलियन पे मम्मी के साथ रील बनानी चाहिए। पापा तो नहीं, पापा जाना, ससुर के साथ कमरिया का झटका तो नहीं, अभद्र हो जाए, सास के साथ, मम्मी बताओ रील बनाओगी मेरे साथ, ठीक है बना दूं।
ठीक है। आपको कैसा लगा बाबा? नहीं बनाया तो इन्होंने भी होता, लेकिन अकेले हमें टेक्निकली पता नहीं है वो कैसे बनाते हैं नहीं बनाते। आपको कैसा लगा पापा? कुमारिया का झटका, मैं तो वहाँ था ही। नहीं नहीं, आप तो शूटिंग में थे ना पापा, जब फाइनल सॉन्ग निकला रिलीज के बाद तो जो जहाँ भी सुन रहे थे हम, बहुत बढ़िया लग रहा था। हम तो उसके बाद गाँव में भी गए थे। अच्छा, गाँव में भी कई जगह लोग ऐसे आते जाते, लगन वगन में जो शादियों के साए होते हैं उस टाइम बज रहा था गाना बोलेरे के ऊपर और इधर जा रहे थे लोग। अच्छा चलो, ये बहुत बढ़िया है। पता नहीं क्या था वो गाना में, है ना, हर जगह यही सुनाई दे रहा है। मोबाइल खोलो तो यही चल रहा है। हाँ, इतना सुंदर लाल ड्रेस में मैरून वायरल जाता है ना कुछ सॉन्ग्स ऐसे भी, क्या बताऊं इतना प्लेन ड्रेस। लेकिन मैं कुछ जगमग नहीं करूंगी मैम। मोबाइल खोलते हो कहीं भी जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, मम्मी आपको टेंशन होगी, मम्मी को रील में मैं खड़ी मैं कर नहीं पाऊंगी कुछ भी, क्योंकि मेरी कमरिया नहीं है, मेरा कमरा हो चुका है। उनका कमर तो हमेशा कमर ही रहेगा, कहीं भी मांस चढ़ हो चुका है मम्मी, नहीं कहीं भी मांस चढ़ जाए आपके कमर पे नहीं मांस चढ़ता। मेरी मम्मी की तो हवेली हो चुकी है। तूने देखा गाना? हाँ हाँ, मैंने भी देखा था, बहुत अच्छा था। बच्चे से कमरिया का झटका, घाघरा ओढ़ के सो रहा है। मोरिया मोरिया आज की मॉर्निंग आरती आप सब लोगों के लिए, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मोरिया मोरिया मोरिया, अच्छी तरह से ले लो। अब मेरे बच्चों की बारी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे आएंगे। इधर आप कौन लड़ा था, कौन लड़ाई करी थी, किसने? ये दोनों लड़ रहे थे। चलो, लड़ाई की आवाज तो आई थी मेरे, इधर आप कैंडी, इधर आरती कौन लेगा? कैंडी को आरती देना भूल गई, इसे जब सब कुछ कर लिया ना, इसे यहाँ से चिल्लाई मेरी आरती 10 मिनट बाद से करके आरती नहीं दी, उसको पता नहीं, इसे बोला मेरे को आरती दे, देखो ये भी सारे पहुँच गए। अच्छा अच्छा, चलो एक एक बात, इनको पता है कि आरती होने के बाद इधर आना है, वो वेट करता है। मेरे चंचा एक बार, चलो भाई प्रसाद, तुमने ले लिया आरती? किस किस को प्रसाद चाहिए, कौन कौन आएगा मम्मा के पास? आने प्रसाद चाहिए मेरे को, थोड़ा सा थोड़ा सा। प्रसाद चाहिए था आपको? जय जय कर रहा है, जय जय कर रहा तुम जाना, अभी पहले चेरी को बिल्कुल नाखून के बराबर देना है ना, क्योंकि 5 दिन के हिसाब से काउंट करोगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा ऐसे तो। ये तुम्हें आज ये ड्रेस नहीं पहनने देगा, मैं बता रहा हूँ। इसको मिल गया है कारपेट बैठने के लिए, घिसटता हुआ भी जा रहा है साथ में, ड्रेस फट जाएगी। अरे कुकौए उतर ही नहीं रहा है, ना पसंद है इसको। अरे जा रहा है साथ साथ, जहाँ फैल रहा है वहीं बैठ, देख रहे हो इसको, तुम देख रहे हो इसने क्या किया है। तो दोस्तों मेरे को ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज ये ना लहंगा बहुत लंबा है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी और आज बहुत काम है। ओहो, आज तो भाई किचन में क्या 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 36-37 चीजें पड़ी हुई है भाई। और मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, ये मैं पहन रही हूँ। मेरे मेरे को ना बिल्कुल वो कम्फर्टेबल नहीं हो रहा था, क्योंकि ना वो बिल्कुल ऐसा जमीन के साथ रिगड़ता हुआ जा रहा था, तो आई हैड टू चेंज, बिकॉज मुझे पूरा दिन बहुत ज्यादा काम है। सत्यनारायण की पूजा है, हो सकता है जो बप्पा का विसर्जन है घर पे ना हो पाए, ये भी आज पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बप्पा बड़े हैं और ड्रम में नहीं फिट हो रहे हैं, तो हमने नाप वगैरह सब कुछ करके देख लिया, तो हो सकता है आज विसर्जन के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़े। बट
For now, this is what I'm wearing. अच्छा लग रहा है भी ये? बहुत अच्छा. तो मैं बनाने जा रही हूँ आज सांबर, चावल, आलू भिंडी और अपना वही साबूदाने के बड़े जो सबको बहुत अच्छे लगे थे कल. इन्होंने उंगलियां चाट ली, रात को भी खाया है, दिन में भी खाया है, खाया ही खाया. बिना गैस जलाई सब कुछ डाल दिया. कोई बात नहीं, एक सही रहेगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतना घबराने वाली बात नहीं है. तुमने पूरी कटोरी उड़ेल दी बेबी उसमें. हाँ, नाम दे दे और बेटा, अभी और उड़ेल होगी. खाना तो बहुत अच्छा बना दिया यार संभावना नाम. दिखने में बहुत टेस्टी लग रही है सब्जी. साबुदाना मुझे भी देखना था यार, एक्चुअली यार मेरे को भी बनाना है घर. तुम पूरी कटोरी कैसे उड़ेल देती हो यार, डर नहीं लगता तुम्हें? थोड़े थोड़े थे उसमें बचे हुए. तुम्हें देख के बहुत मजा आ रहा है. किसी को हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए तुम डाल वो सारे नाप करके रखे हुए हैं. इनके बाल बड़े हो जाएंगे ना, फिर इनको दिखेंगे भी, इनको कटवाने पड़ते हैं. अरे बस इन दोनों का अलग ही चल रहा है. तो और, तो और लड़ते हैं यार, इनको खुला छोड़ दो तो नहीं लड़ेंगे. ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट है. वैसे करेंगे, तू बता, मैं बताऊ, मैं बताऊ. जैसे आप पकड़ोगे ना तो कूदने की कोशिश करेंगे, करना इन्होंने कुछ नहीं है. बिग बॉस के कंटेस्टेंट जी, यहाँ पे हमारी सब्जियां डल गई हैं. क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे सांबर बनेगा, तो सांबर के लिए सब कुछ तैयार है दोस्तों. सांबर में सारी सब्जियां डल जाएंगी और आप देखते जाओ क्या होता है. जो डिसइंटरेस्टेड कुकिंग चैनल वाले होते हैं ना. हाँ, ये सारी आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो. मसाले इसमें अभी कुछ नहीं डले हैं, सब कुछ डलने के बाद ये अलग हो जाएगा. अभी कचकचा लग रहा है, फिर पक पका लगेगा. क्या स्विच क्यों हो रहा है? अब इसमें डालेंगी ना ये सब्जियां सारी. अच्छा, ज्यादा गाढ़ा बन गया सांबर यार. सांबर पतला ही अच्छा लगता है, ज्यादा गाढ़ा होता है ना हैवी तो. पर ज्यादा लोग भी है ना. मैडम के बर्तन बहुत अच्छे हैं और किचन भी बड़ा साफ है. आगे. वो सोच रहा है, खेल रहे हैं मेरे साथ. किचन में कभी डॉग को एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खाने में बाल वगैरह चले जाते हैं ना. भिंडी आलू बन रही है साइड. ओ साबुदाना बड़े, साबुदाना बड़ा बन चुके हैं.
लुक्सिया रिफरमाइश की गई दोबारा से, तो आज जो है के बने हैं कि भाई खाओ और यहाँ तक भर लो साबुदाने के पकौड़े। और भाई हुआ इधर तड़का एकदम तैयार है, जो किसमें डलेगा? इसमें सांबर। सांबर में वेरी गुड। क्या कर रहे हो ये? पैर नाप रहे थे। क्यों? नंबर पे बहस हो रही थी कौन किसका ज्यादा वो डिसाइड ये हो रहा था कि राहुल से बड़ा किसका पैर है। अच्छा तो वो अब नापने लगे दोनों आपस में की तो पोडियम पे तुम एक नंबर पे हो। तो ये क्यों नापा क्यों जा रहा है वैसे, कारण क्या है? ऐसे ही देखा मैंने, देखा तो ऐसे बस। लेकिन पापा का पैर छोड़ा है ना, पापा का नंबर बड़ा होगा ऐसा होता है? मेरी नहीं, मेरा 10 है। मेरी नजर गई ना इसके पैर पे। मेरा भी 10 है, पापा का भी 10 है। हाँ। इसका 15 है, इनका 12 है। 15 होता तो फिर मेरे जूते इतने बड़े कैसे होते? कस्टमाइज कराने पड़ते हैं जूते, तो बनते थोड़ी है उसके बाद। तो जी ये रहा लास्ट एंड फाइनल राउंड फॉर सांबर। सांबर इसको मैं पुगाड़ा कर रही हूँ। नीम वाइट तैयार होगा हमारा तड़का। भिंडी बन चुकी है। ये छोटे छोटे वाले, ये वाले लाल मिर्च मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं। मैडम कभी हमें भी बुला लो खाने को अपने घर पे। ओहो यहाँ पे पूरियां बन रही है। हम लोग नॉर्थ इंडियंस सांबर के साथ पूरी रोटी चावल सब खाते हैं। नॉर्थ साउथ इंडियंस कभी नहीं खाते ब्रो, वो तो हंसते हैं, वो बोलते खाली इडली चाहिए सांबर के साथ। सब लोग खाएंगे पापा को छोड़ के, क्योंकि पापा का जो है सिर्फ केला खा सकते हैं। मेरा उपवास है। पापा पूजा में बैठेंगे सत्यनारायण भगवान की, लेकिन बाकी लोग देख के लग नहीं रहा कुछ छोड़ने वाले हैं। मैं तो भाई मम्मी क्या कर रही है? और बाप रे दुकानों पे खाते हैं, क्या खाते हैं? अच्छा है इतना बढ़िया सांभर है, कब से घंटों से मैं खा रही हूँ इसकी। अब मिला है। आज भर भर के खाओ साबुदाना बड़ा सब। अच्छा मैंने इसीलिए इतने बनाए हैं। मैंने कहा सब लोगों को कल कंप्लेन थी साबुदाना ठीक है मम्मी? आपका भी उपवास है। अरे मैं देख रहा हूँ मेरी थाली कब तैयार हो रही है। हाँ बाबा मिल रही है तेरे को पूरी 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 खा पूरी अरे सब चलेगा उसमें। बहुत बड़े नाम है। अरे यार मम्मी इतनी बार बोली है तो मतलब कुछ तो बात है। क्या करे रोज रोज इतना टेस्टी मिल रहा है तो पिचकने के बदले फैलते जा रहे हैं। मामी का सांबर बना है बहुत टेस्टी। उसकी तो आवाज चली गई खाने के बाद। पानी देते हैं। बाप रे बाप। तो गर्म होगा थोड़ा। एक्चुअली इसको रखना चाहिए था थोड़ी। अरे नहीं गर्म नहीं है। नहीं बेटा बहुत। पूड़ी के साथ कोई खा के देखे इसको? ओहो डेडली कॉम्बिनेशन है। ट्राई करके देखो एक पूरी बस उठाओ। बोल रहे हो तो साउथ इंडियंस लाफिंग एट द कॉर्नर। इतना बोल रहे हो तो कुछ तो बना होगा। अच्छा सब्जियां भी इतनी अच्छी हो रही है। अच्छा अरे पापा के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो जी बप्पा के पांचवे दिन यानी कि विसर्जन के दिन, पांचों दिनों से हमको इंतजार था गजराज जी का जो कि आ चुके हैं। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति। पहले तो मैं बता दूं मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूं। उस दिन ना लाइव पे हम लोगों ने बात करी और मैं ऐसी हो गई, मैंने कहा हाय राम मुझे लाइव पे ले लिया। गजराज जी ने बोल दिया मुझे लाइव पे ले लिया। तब से मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं गजराज जी से मिलना चाह रही थी। उनकी वाइफ भी है जिनको हम फ्रेम में नहीं लेंगे क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होते काफी लोग, लेकिन हम लोग बड़े कंफर्टेबल हैं गजराज जी के साथ बात करने के लिए। बड़ा अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि इनकी फैमिली में भी हमारे ब्लॉग्स देखे जाते हैं। मैं ना ऐसी हो गई कि मैंने कहा अच्छा मतलब सारी असलियतें मेरी पता है सबको। आज जो इनसे मुलाकात हुई है और जो इनकी एनर्जी है मैं आपको बता नहीं सकती। देखा हमने कौन सी सीरीज में है। उससे पहले पूरा फोटो सेशन कराया करें, एक एक करके आ जाओ, पहले काम खत्म करेंगे। ऐसी मिठाई आई है नेटफ्लिक्स के अमेज़न प्राइम पे किसी सीरीज में देखा है मैंने इनको। अपने खाने मैंने अंदर रख दिया है इनका ना पूरा डब्बा है। मैं आपको डब्बा भी लाके दिखाती हूँ। तो गजराज जी से क्या होता है कि मिठाइयाँ जो है त्योहारों में इतनी ज्यादा आती है और हम जब मिठाई किसी के यहाँ लेकर जाते हैं तो फॉर्मेलिटी में नहीं होता है कि कहीं से डब्बा उठा लिया, उसको स्पेशल सिलेक्शन वगैरह करके तो फिर मैं ये सूचित करता हूँ जहाँ पे दिया जाता है कि भाई इसको आगे फॉरवर्ड ना किया जाए। घर वालों के लिए है ये। और अविनाश के साथ पिछले साल मैंने एक शूट किया था, एक शो है अमेजन पर आने वाला है दुपहिया,
उसके लेखक हैं, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया है और तब से मैं इनका प्रशंसक बन गया हूँ और लकीली ये दोनों साथ में हैं, जोड़ीदार हैं, तो अब संभावना जी से भी मुलाकात हो गई है। थैंक यू गजराज जी जो आप ये लेके आए। थैंक यू। अरे संदेश के लिए तो हमारी फैमिली पागल है, क्योंकि हमारा कोलकाता यही संदेश है आप लोगों के लिए कि ये संदेश कहीं जाना नहीं चाहिए। खुल गया, हम लोग का कोलकाता से एक अलग कनेक्शन है। अच्छा, दादा दादी चाचा चाची सब वहीं रहते हैं। चाबी खा लिए तुरंत ही। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं एक शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि जो बच्चे हैं सारे यहाँ पर, कोको, चेरी, चेरी, कैंडी, कैंडी, तो उसमें मुझे जो चुन चुन अभी मुझे मालूम चला कि इनमें से ज्यादातर 14, 15 साल 18 साल की उम्र के होने तक यहाँ पर हैं, जो ह्यूमन लाइफ में अगर उसमें देखा जाए कि मानव उसमें देखा जाए तो ये 80-90 साल की उम्र के हैं। एक जो कोको चली गई वो इस उम्र के होकर गई, तो ये मैं मुझे लगता है कि इन बच्चों को कितनी अच्छी परवरिश और कितना अच्छा माहौल मिलता होगा कि इन्होंने इतनी लंबी लंबी जिंदगियां द्विवेदी परिवार में वो लोग बिताते हैं। ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है। हमारा जो लास्ट डॉग था उसका अभी 2 साल पहले डेथ हुई है। ही वाज 19 इयर्स ओल्ड। हाँ, तो 19 साल का हो गया। ये 15 साल की है। हाँ। ये 15 साल की है, ये 12 साल की है। ये दिखाता है कि आप लोग शौकिया डॉग लवर नहीं है। ये वाकई में आप प्रेम करते हैं, वाकई में आपका स्नेह है इन बच्चों के साथ। और सब लोग कहते हैं, पहली बात तो मेरे पास एक अडॉप्टेड है, नॉट ब्रीड वन, इंडियन ब्रीड है मेरे पास, और हम सब करते हैं अपने डॉग के साथ। सामने वाले को बहुत प्रेज करते हैं, एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा जो मैंने कभी गजराज जी से खुल के कही नहीं, कि जब सेट पे आप इनको लाइव परफॉर्म करते हो, देखते हो, तो ऐसा लगता है कि एक्टिंग की मास्टर क्लास चल रही है। मतलब इनको लाइव देखना ही परफॉर्म करते हुए आपको एक्टर बना सकता है। और मैं इतना इंस्पायर्ड हूँ गजराज जी से ना, इतना ज्यादा। सेट पे कई बार ऐसा लगता था कि मैं इनको हक करूं, बहुत बार बोल चुका है मुझे, जो मैं कभी कर नहीं पाया, लेकिन वो मैं आज करना चाहता हूँ। हर शॉट के बाद ये फील करता था, ये वो है, हाय मैं शर्म से लाल हुई मोमेंट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं भी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके तो हाथ लग गए हमारे पर, बस काफी है हमारे लिए, सच्ची बोल रही हूँ। हम लोग गजराज जी को छोड़ने आए थे, तो मैंने कहा आज जरा टीनू से भी मिल लूं, मेरे को मिले हुए टाइम हो गया। मेरे बच्चे से कंप्लेन कर रहा है कि तू आई नहीं 4-5 दिन से, मैं ऊपर नहीं ले जा सकती ना, चारों चढ़ जाएंगे तेरे पर। अरे बाप रे, इससे बहुत प्यारे मिले मुझे। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज ब्लॉग। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड डू लव योर फैमिली।